दोस्तों जो आज मैं आपको फेस पैक बताने वाला हूँ ना, इसे लगा करके आप एक ही बार में अपनी स्किन को काफ़ी ज़्यादा ब्राइट, टाइट और लाइटनिंग इफेक्ट दे सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जिस प्रोपोर्शन में बता रहा हूँ, बिल्कुल उसी प्रोपोर्शन में ही आपको मिलाना है, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है जिसको मैंने ऑलरेडी इस रेमेडी को बहुत सारे पेशेंट्स पे ट्राई किया है, मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और मुझे लगता है कि ये आपको भी पता होगा। तो आप भी एक ही दिन के अंदर अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा चेंज कर पाओगे। तो देर नहीं करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पर आप सीखोगे कि किस तरीके से आप एक ही दिन के अंदर अपनी स्किन को ब्राइट, लाइट और टाइट बना सकते हैं। दोस्तों पहला इंग्रेडिएंट जो इस पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए वो है गेहूं का आटा। गेहूं के आटे के अंदर बहुत सारी बाइंडिंग जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो होती हैं। बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से ये हमारी स्किन के साथ भी बहुत अच्छे से चिपक जाता है, जिसकी वजह से स्किन में जमा जो डेड सेल्स होते हैं वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं और हमारी स्किन पर हमें नेचुरली ग्लो दिखाई देता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात गेहूं के आटे की ये है कि इसके अंदर ग्लूटेन होता है, जिसकी वजह से अगर आपके चेहरे पर छोटे छोटे अनचाहे बाल भी हैं तो वो भी निकल आते हैं। लेकिन सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके बाल बहुत मोटे हो चुके हैं या आपके बाल बहुत समय से हैं आपके चेहरे पर, तो ये डेफिनेटली उन्हें नहीं निकालेगा। और ये जो पैक हम सीख रहे हैं ये अनचाहे बालों को निकालने के लिए नहीं, बल्कि स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए हम सीख रहे हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करना है वो है आधा चम्मच बेसन। बेसन जो है उसके अंदर भी स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, स्किन को लाइट करने की प्रॉपर्टीज़ होती है, और साथ ही साथ स्किन के अंदर जो ग्लो हमें चाहिए वो बढ़ाने में भी बेसन हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। हमारी स्किन के अंदर किसी भी तरह के दाग धब्बे हो, पिगमेंटेशन हो, टैनिंग हो, सनबर्न हो, फ्रैकल्स हो या फिर मंकी माउथ का प्रॉब्लम हो, उन सबको ख़त्म करने में बेसन हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो आधा चम्मच हमें यहाँ पर बेसन लेना है। तीसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हमें यहाँ पर चाहिए वो चाहिए एक चौथाई चम्मच हल्दी। हल्दी में भी अगर कस्तूरी हल्दी मिल जाएगी तो इसे सोना पे सुहागा बोलेंगे, क्योंकि उसकी वजह से हमारी स्किन को बहुत लंबे समय तक और बहुत ज़्यादा जल्दी ही हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं और स्किन को ब्राइटनिंग, लाइटनिंग और टाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ हम मिल सकती हैं। इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद में इसके अंदर आपको चौथा इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो है चीनी का पाउडर। चीनी के अंदर होता है ग्लाइकोलिक एसिड, क्योंकि चीनी बनती है गन्ने के रस से, और ये वही ग्लाइकोलिक एसिड है जो कि एक्चुअली जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि आप ग्लाइकोलिक एसिड पील करा लो। थोड़ा सा गूगल जा करके कीजिएगा और आपको पता चलेगा कि ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो हमारी स्किन को लाइटनिंग, ब्राइटनिंग और टाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ देने का काम करता है, क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड बहुत ज़्यादा पावरफुल कंपोनेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, और ये स्किन के नीचे तक उतर करके स्किन की कोशिकाओं को रिजुविनेट करने में हमारी मदद करता है। तो एक चम्मच जब आप चीनी लेकर के उसको पीस लेंगे और वो पाउडर आप इसके अंदर ऐड करोगे, तो आप नेचुरली ग्लाइकोलिक एसिड अपने इस पैक में मिला रहे हो। यही वो की इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से आपकी स्किन को बहुत लॉन्ग लास्टिंग ब्राइटनेस और चमक मिलने वाली है। नंबर पाँच जो इंग्रेडिएंट दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करना है वो है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर जो है वो लैक्टिक एसिड का एक बहुत अच्छा सोर्स है। लैक्टिक एसिड भी स्किन को फेयरनेस देने में हमारी मदद करता है, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोल पा रहा हूँ कि एक ही एप्लीकेशन में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट ये देने वाला है। मेक श्योर अब इन पांचों चीज़ों को अच्छे से आप मिला लो, और मिलाने के बाद इसका जो पेस्ट आपको बनाना है वो बनाना है कच्चे दूध के साथ में। कच्चे दूध के अंदर भी होता है लैक्टिक एसिड, लेकिन अगर बाय चांस किसी भी वजह से आपके घर में कच्चा दूध नहीं है और आपको इसे लगाना है, तो आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हो या फिर आप उबाल करके ठंडे किए गए दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं कच्चे दूध के साथ में। एक स्मूथ पेस्ट बन गया, स्मूथ पेस्ट को साफ चेहरे पर लगाइए। लगने के बाद आप इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा आधे घंटा तो कम से कम छोड़ना है, अगर 10-15 मिनट ज़्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपने हाथों को गीला कीजिए और हल्के हल्के हाथ से मसाज कीजिए। इसे वॉश नहीं करना है, आपको इसके ऊपर मसाज करनी है ताकि चीनी का ग्लाइकोलिक एसिड, मिल्क पाउडर का लैक्टिक एसिड स्किन के ऊपर काम करे, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करे, डेड सेल्स को निकाले, और आपकी स्किन में जमा जो डेड सेल्स जब निकल जाएंगे तो नीचे से दबे हुए नई स्किन बाहर आएगी और आपको वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाली है। इसे ट्राई कीजिएगा,
हफ्ते में एक बार, लेकिन आपको अगर लगता है कि आपके पास टाइम है और हफ्ते में आप इसे दो बार कर सकें तो भी आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन इसे वॉश करने के बाद ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाना है, क्योंकि जब डेड सेल्स हट जाते हैं तो थोड़ा सा ड्राइनेस आ जाती है, स्किन के ऊपर आपको खिंचा खिंचा फील हो सकता है, तो मॉइस्चराइजर आपको लगाना ज़रूरी है। एक अच्छा मॉइस्चराइजर वही होता है जिसमें ऑयल ना हो, एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, तो वो भी परचेस करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से जाकर के आप इसे ईजिली ट्राई कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। मेक श्योर इसे ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे हमें देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।